नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइसेस। इस वीडियो में हम मेनली माउस के बारे स्टडी करेंगे कि माउस कितनी तरह के होते हैं, माउस को हम कैसे यूज करते हैं, माउस किस तरह से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। अब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, जो पॉइंटिंग डिवाइसेज होती हैं, ये इनपुट डिवाइसेज होती हैं जो इनपुट प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर को। अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस एनेबल्स द यूजर टू इजिली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन, टू सेलेक्ट कमांड्स फ्रॉम कमांड मेन्यू, टू ड्रा ग्राफिक्स एटेक्सरा। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपली अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन देनी हो तो बिल्कुल सिंपली हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे माउस। माउस इट इज द की इनपुट डिवाइस यूज्ड इन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, GUI। इट कैन बी यूज टू हैंडल द पॉइंटर इजली ऑन द स्क्रीन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज ओपनिंग ए प्रोग्राम और फाइल। इस तरीके से बिल्कुल सिंपली हम माउस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं माउस को कि माउस किस तरह से काम करता है। द माउस हैज़ टू बटन्स, कि जो माउस है उसके दो बटन होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, आप सब ने यूज किया हुआ है माउस कैसा होता है, एंड ए स्क्रोल व्हील। अब जो माउस है उसमें दो बटन होते हैं और एक स्क्रोल व्हील, दोनों बटनों के बीच में एक स्क्रोल व्हील होता है। इट कैन बी हेल्ड इन द हैंड एंड ईजली मूव्ड विदाउट लिफ्टिंग अलोंग ए हार्ड फ्लैट सरफेस टू मूव द कर्सर टू द डिजायर्ड लोकेशन अप डाउन लेफ्ट और राइट। वंस द माउस इज प्लेस्ड एट अप्रोप्रिएट पोजिशन, एक बार अगर आप माउस को अप्रोप्रिएट पोजिशन पे प्लेस कर दें, द यूजर में परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो माउस से कोई भी यूजर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, वो है पॉइंट, क्लिक। हम माउस का यूज करके क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको आप आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि पॉइंट क्या होता है, क्लिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ड्रैग क्या होता है, स्क्रॉल क्या होता है। अब हम माउस के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं कि माउस कितनी प्रकार के होते हैं, मेनली कौन कौन से माउस हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कोर्डलेस या फिर वायरलेस माउस। चलिए देखते हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस किस तरह का होता है। दिस टाइप ऑफ माउस हैज ए रबर और मेटल बॉल एट इट्स बॉटम, कि ये जो मैकेनिकल माउस है, इस तरह के माउस में रबर या फिर मेटल बॉल होती है इसके बॉटम में, एंड एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंटेनिंग सेंसर्स व्हेन द माउस इज मूव्ड ओवर ए फ्लैट सरफेस। जब माउस मूव करता है एक फ्लैट सरफेस पे, द सेंसर्स डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉल। तो जो सेंसर होते हैं इसमें, वो डिटेक्ट करते हैं डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन को, कि जो बॉल है उसकी क्या मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन को सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ट्रांसलेट्स द मूवमेंट इनटू सिग्नल्स एंड फीड इट एज इनपुट टू द कंप्यूटर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं मूवमेंट को सिग्नल्स में और कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इस तरीके से मैकेनिकल माउस काम करता है। अब है ऑप्टिकल माउस। द ऑप्टिकल माउस इज मोर एडवांस देन मैकेनिकल माउस, की जो ऑप्टिकल माउस है वो एडवांस है मैकेनिकल माउस से। इट कंटेन्स ए बॉल इनसाइड, द मूवमेंट ऑफ द माउस इज डिटेक्टेड यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। अब ये जो माउस है, जो ऑप्टिकल माउस है, इसकी जो मूवमेंट है वो डिटेक्ट होती है लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा, बाय यूजिंग ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज करके। फिर है कोर्डलेस माउस, जिसको हम वायरलेस माउस भी बोलते हैं। अ कोर्डलेस और वायरलेस माउस इज नॉट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है वायरलेस माउस, यह कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता वायर के द्वारा। द मूवमेंट ऑफ द माउस इज डिटेक्टेड यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट वेव्स। अब इसकी जो मूवमेंट है माउस की, वो डिटेक्ट होती है रेडियो वेव से और इंफ्रारेड लाइट वेव से। अब हम माउस की कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, अगर आपसे कहीं पे भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछी जाए तो आप जो आपको उसमें एडवांटेज लगती हैं वो लिख सकते हैं, जो आपको उसमें डिसएडवांटेज लगती हैं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होनी चाहिए। वो भी आप एडवांटेज लिख रहे हैं उसका कुछ मतलब होना चाहिए, बिना मतलब के आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। आप एडवांटेज लिख सकते हैं जो आपको लगती हैं उसके एडवांटेज, लेकिन वो जेन्युइन बिल्कुल सही होने चाहिए। जैसे द माउस इज इजी टू यूज एंड कैन बी यूज टू क्विकली प्लेस द कर्सर एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, कि जो माउस है वो यूज करने में इजी है और उसका यूज करके हम कर्सर को कहीं पे भी स्क्रीन पे प्लेस करा सकते हैं इजली, जल्दी, क्विकली।
इट आल्सो हेल्प टू क्विकली एंड ईजली ड्रा फिगर्स। अब हम माउस का यूज करके जो फिगर्स हैं, हमारे डायग्राम हैं, वो ईजली क्विकली बहुत जल्दी से और ईजी वे में ड्रा कर सकते हैं। इट इज इनएक्सपेंसिव, यह इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, यह इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ माउस नहीं है। इट्स पॉइंट एंड क्लिक कैपेबिलिटीज़ मेक इट अननेसेसरी टू रिमेंबर एंड टाइप इन कमांड्स। अब इसकी जो पॉइंट और क्लिक कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हमें किस योग्य बनाते हैं कि हमें कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द माउस नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस टू बी प्लेस्ड। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो माउस है, अब अगर हम उसको कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच करेंगे तो उसके लिए और भी अधिक स्पेस वो कवर करेगा, यानी वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन हम डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि अगर हम माउस का यूज करेंगे तो वो एक्स्ट्रा डेस्क स्पेस को भी कवर करेगा। द बाल इन द मैकेनिकल माउस मस्ट बी क्लीन टू रिमूव डस्ट फ्रॉम इट। ये भी हम लिख सकते हैं कि जो मैकेनिकल माउस में बॉल होती है, हमें वो क्लीन करनी पड़ती है। क्यों क्लीन करनी पड़ती है? उसमें से डस्ट को रिमूव करने के लिए। तो इस तरीके से हम माउस के बारे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। इस वीडियो में हमने माउस को पढ़ा, माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन स्टडी की। पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन के साथ साथ हमने माउस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे पॉइंट, क्लिक, ड्रैग, स्क्रॉल, ये सब पढ़े। मैकेनिकल माउस पढ़ा, ऑप्टिकल माउस पढ़ा, कोर्डलेस और या फिर वायरलेस माउस स्टडी किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।